तो लास्ट क्लास में हमने चारों ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे और हेडिंग डाले थे नेक्स्ट कि प्रेडिक्टिंग द एलिमेंट्स ग्रुप एंड पीरियड, जिससे आपको उसका लोकेशन पता चल जाए। ठीक है, तो सब डालिए ना हेडिंग वाला। इसमें कुछ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, रूल्स लिखवा रहा हूँ कि ये रूल्स को फॉलो करके अपन उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बता देंगे कि वो कौन से ग्रुप में है, कौन सा पीरियड में है। ठीक है, चलो देखो। द पीरियड कॉमा ग्रुप, द पीरियड कॉमा ग्रुप, द पीरियड कॉमा ग्रुप एंड ब्लॉक, ब्लॉक में बता सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। द पीरियड कॉमा ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इजिली प्रेडिक्टेड, कैन बी इजिली प्रेडिक्टेड, कैन बी इजिली प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पॉइंट कितना है इसमें? फर्स्ट पॉइंट, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल। द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल। आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, और जो भी उसका आखिरी शेल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 90, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 90, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ठीक है, हमने इसके हेडिंग में तो ये लिखा है ना कि इट कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाए तो आप उसका ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, है ना, क्लियर। अब देखो इसमें आखिरी शेल कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट शेल भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, बट आखिरी क्या है? और फोर्थ शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4। जो 4s लिखा रहता है उसमें 4 क्या होता है? n, अरे n l m s, तो n क्या होता है आपका? ये नंबर तो सामने लिखा रहता है। तो इससे कॉन्फिगरेशन से पता चल रहा है कि पोटेशियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, क्योंकि उसका आखिरी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4। रीड करो वापस एक बार जो लिखे हैं पॉइंट। क्लियर है ना? इसको नोट कर लो एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल। चलो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं ग्रुप के बारे में या ब्लॉक के बारे में डायरेक्ट करते। चलो, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, type of orbital which receives the last electron, type of orbital which receives the last electron, which receives the last electron। समझ में आ रहा है क्या लिखे हो? कौन से टाइप के ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है उस एलिमेंट का? जैसे पोटेशियम में देखो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन ये था ना, और वो किसमें गया है? एस में। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो।
अच्छा एक एग्जांपल के इसमें लिखना, फ्रॉम द अबव कॉन्फिगरेशन पोटेशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, कुछ एग्जांपल लिखे ना उसके बारे में लिख सकते हैं। अबव कॉन्फिगरेशन को देख के हम क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। क्लियर है सबको? आगे बढ़े थर्ड पॉइंट, अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ग्रुप देखो, इसमें द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल The group of the of an element is predicted from the number of electrons in the valence shell or ऐसे लिखना और oblique करके and penultimate shell मतलब last but one ना, second last को बोलते हैं ना penultimate, as follows. अब इसका भी कुछ सब डिविजन है, हम ग्रुप ना ब्लॉक वाइज निकालते हैं। एस ब्लॉक के लिए रूल अलग है ग्रुप निकालने का, एस ब्लॉक के लिए दो ग्रुप है ना 1 into, फिर पी ब्लॉक के लिए रूल अलग है निकालने का, और पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं 13 से 18, और डी ब्लॉक के लिए रूल अलग है इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे 3 से लेके 12, समझ रहे हैं ना? हम ब्लॉक वाइज ग्रुप का रूल लिख, पहला पॉइंट लिखना इसके अंदर एबीसी डाल लो। फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ दो ही होते हैं ना ग्रुप, फर्स्ट या सेकेंड, तो पोटेशियम या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकेंड में होगा, दो ही ऑप्शन है पोटेशियम के पास। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पोटेशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, तो दो ही तो ऑप्शन है, या तो 1 में होगा या तो 2 में होगा, क्योंकि उसके अलावा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और कहीं नहीं होते, ठीक है? तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अगला पॉइंट लिखना बी, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे क्लोरीन का, चलो हेल्प करना मेरे, वन एस टू अभी तो पढ़ना ना, कल तो टेस्ट देना है इसका, पर टेस्ट देना ना चैप्टर का, ये तो पता होना चाहिए, वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स कितने हो गए, 17 हो गए, देखो काउंट करो, तो जो 4, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 हो गए। अब 13 नंबर कैसे बताओगे, आखिरी वाले शेल का, अच्छा हाईएस्ट तो 3 दिख रहा ना, 4 तो कहीं नहीं है, मतलब इट बिलोंग्स टू पीरियड, ठीक है? ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी ब्लॉक। अब ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फिर से देखो, सेवन थ्री है ना आपका बैलेंस शेल, कौन सा है? थ्री है, उसके दोनों काउंट करो ना, एस के बी और ठीक है, कितने हो गए? सात, तो टेन प्लस सेवेंटीन, समझ में आया? अब ये वाला चीज आप और बाद में गलत मत करना ना, सिर्फ आखिरी में जो लिखा उससे कौन मत करना, ये भी देखो, ये भी थर्ड का ही पार्ट है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन थर्ड के ही है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? पांच प्लस दो सात, क्लियर है? करो उसको, बैलेंस शेल का मतलब उसका हाईएस्ट नंबर जो जा रहा था वो बैलेंस शेल है, ठीक है? इसका हाईएस्ट नंबर तो थ्री ही है, और थ्री के कितने हैं? दो है, एक में हाँ, ये दोनों सेम है ना, थ्री। हाँ, अगर इसमें फोर भी होता ना तो फिर आप बोलते कि हाँ फोर तो बैलेंस शेल है, अभी इसमें थ्री है बैलेंस शेल। आगे बढ़े, अपना डी ब्लॉक के लिए बच गया ना, पी के लिए लिखी लिखे नहीं लिखे ना अपन रूट, ये तो पी के लिए हो गया, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका रूट निकालने के लिए टेन प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है? चलो अगला निकालना, फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स रूट नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स group number is equal to the number of electrons in n minus 1 t subshell, n minus 1 t subshell, n minus 1 t subshell plus number of electrons in the valence shell. N minus 1 d subshell plus number of electrons in the valence shell, यानी कि bracket में nth shell कितना? nth shell, आखिरी shell को ही nth बोलते हैं, ठीक है? पढ़ते हो ना आपको maths में भी? nth मतलब आखिरी, ठीक है? अब जो लिखे उसको follow, उसको apply करते हैं जरा। चलो let's take copper, copper का atomic number होता है 29, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद है? कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 बाद में लिखूंगा, पहले pb10, 4s1 हो गया 29, है ना? व्हाट इज द फाइनल n वैल्यू क्या है इसके लिए? वैलेंस शेल कौन सा इसका? फोर्थ शेल है, तो इट बिलोंग्स टू, है ना? वेयर इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग? लिखे बाद में है, डी में घुसा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था ना कि लिखते पहले है, क्योंकि थ्री पहला छोटा नंबर होता है, फोर बड़ा नंबर होता है, बट पहले इलेक्ट्रॉन फोर एस में गया है, बाद में थ्री डी में गया है, ठीक है? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां घुस रहा है? डी में, तो ये क्या हो गया? डी ब्लॉक हो गया, समझ गए? अब डी ब्लॉक समझ गए, तो अब डी ब्लॉक का रूल अप्लाई करेंगे ग्रुप नंबर निकालने के लिए। व्हाट इज द रूल? एन माइनस वन यानी कि फोर आपका एन है, तो एन माइनस वन यानी कि थ्री हो जाएगा, थ्री के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और फोर के एस में 11। अब एक बार रूल फिर से पढ़ लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल, तो चौथा ही है ना, चार चार में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। और थ्री के डी में कितना है? थ्री का डी ही लिखे, पी नहीं काउंट करना, समझे? इसका पर स्पेसिफिकली लिखे हैं, थ्री का डी वाला ही काउंट करना, रूल समझ में आ रहा है जो लिखे हो? नहीं आया समझ में? एक बार क्या लिखा, रीड कर, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n minus 1d यानी कि 10 plus number of electron in the nth shell यानी कि 4, fourth में तो एक ही electron है और d वाले में 10 electron है, 10 plus 1 11 पक्का। f के लिए जरूरत नहीं है, क्यों? all f block elements
बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, यस आयन, इनका तो कोई और ग्रुप नहीं है ना, लैंथेनाइड्स, लैंथेनम, एक्टिनियम एक ही ग्रुप में है ना, थर्ड में है ना। बस अब ये ध्यान रखना है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर या उसका 4s में जा रहा है तो अपन उसको लैंथेनाइड बोलेंगे, और 5s में जा रहा है तो एक्टिनियम बोलेंगे। बस बाकी तो सब चीज हुई है, तब आपको पीरियड समझ में आ जाएगा। लैंथेनाइड होगा तो पीरियड नंबर 6 और एक्टिनॉइड होगा तो पीरियड नंबर 7, वही ऑप्शन है। ग्रुप का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 नहीं दिखे तो ये लैंथेनॉइड्स हैं, और 90 से 103 दिखे तो ये एक्टिनॉइड्स, बस एक्टिनॉइड्स होंगे तो पीरियड नंबर 7, लैंथेनॉइड्स होंगे तो पीरियड नंबर 6, ग्रुप दोनों का 3, ब्लॉक दोनों का 8। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस में। मैं कुछ एटॉमिक नंबर्स दे रहा हूं आपको, कुछ एलिमेंट्स के, सबका मुझे ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? तो देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो। देखो एक है एटम ए नाम का, ए नाम का कोई एटम नहीं होता, ऐसे नाम दे रहे एबीसीडी, ठीक है? ए नाम का एटम है, हाइफन डाल के लिखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 9, एटॉमिक नंबर आपका 9 है इसके लिए, ठीक है? सेकंड बी लिखो, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर है तभी तो आप निकाल पाओगे ना उसका कॉन्फिगरेशन। हाँ, फिर सी का लिख लो, सी 24, सी 24, D 54 and E 58, A 9, B 12, C 24, D 54, E 58, ग्रुप पीरियड ब्लॉक है ना। पहले कंफिगरेशन लिख लिया, नीचे लिखो ऑल्सो प्रेडिक्ट द पीरियड, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, ऑल्सो प्रेडिक्ट द पीरियड, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, टू विच दे बिलोंग, टू विच दे बिलोंग, ऑल्सो प्रेडिक्ट द पीरियड फ्रॉम अ ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक टू विच दे बिलोंग। स्टार्ट करो, 5 मिनट लो पांचों के लिए, फिर हम प्रॉपर्टी चालू करते हैं ना। अपन अभी तक पीरियोडिक टेबल क्या होता है पढ़ लिए हैं, अब अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चैप्टर का सेकेंड पार्ट, ठीक है? चलो जल्दी 5 मिनट।
अच्छा मैंने कब बताया कि कार्बन के लिए फिक्स होता है कार्बन अक्षर क्या है? एक क्या दिया था मैंने? नाइन। हाँ, वन इज टू बता है? पहले ग्रुप पहले पीरियड बता, पीरियड क्या बताया? सेकंड की सेवन बोला, मतलब मैं सेवन सुना वही मैं बता रही हूँ। हाँ सेकंड ठीक है। अभी पी ब्लॉक कैसे इसको भूल गया क्या? टू प्लस फाइव प्लस टेन 17 ट्रू। किसका सही बोल रही पी ब्लॉक का रूल रूल याद करो। देखो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रूल मत पढ़ो, है ना, शुरू में थोड़ा रूल पढ़ो एक बार फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलो सेकंड में आए। पी क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल सेकेंड हाँ आखिरी इलेक्ट्रॉन एस पे जा रहे हैं ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस पे जा रहे हैं तो एस ब्लॉक ही ना होगा, ठीक है। और एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का क्या रूल है? जितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप, बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। डन। चलो सी क्या था? इक्रोमियम है ना, ये भी एक्सेप्शन है। कॉन्फ़िगरेशन सही है। हाँ इसका दिया वीडियो पीरियड और ब्लॉक। अच्छा ऐसा नहीं है, एक चीज दूसरा सही सही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंटली डी है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन पांच में यहाँ जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? एन माइनस वन का डी और एन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। फाइव प्लस वन सिक्स ग्रुप है। समझ में आ रहा है? फोर्थ क्या था? फिफ्टी ओके। आप लोग बीच में इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते चलना, ठीक है। जहां एक का पी खत्म होगा यहाँ पी खत्म होते हुआ, ठीक
यहाँ पे खत्म हुआ तो 18 वाट करके यहाँ 36 तक पहुंच चुके अपन, ये रीच टू 36 है ना। आगे बढ़े, 4P के बाद अपने नीचे आया 5 में, 5 का पहले S भर आता है, फिर 4 का D भर आता है ना, फिर 5 का P भर आता है। अब कितना हो गया देखो, काउंट करो, 36 के बाद 18 और पहुंच गए 54 में, ये 54 ही है। काउंट करो ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करो 54 आ रहे कि नहीं जल्दी से। 2, 2, 4, 4 plus 6, 10, 10 or 2, 12, 12 plus 6, 18, plus 2, 28, plus 10, 48, 48 plus 6, 58, plus 10, 48, 48 plus 6, 54 आ रहा है। भरा चुका है पीछे ही, 5P1, 5P2, 5P3, 5P4, ये आपका पी ब्लॉक, ठीक है। एंड पी ब्लॉक के लिए रूल क्या था, 10 प्लस उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 एंड 2, 6 और 2 दोनों लेंगे ना, 10 प्लस 6 प्लस 2, 18 ग्रुप, ग्लोबल गैस का ग्रुप है ये, क्या ये क्रिप्टन है, सॉरी क्रिप्टन 36 वाला ज़ेनॉन के नीचे वाला ज़ेनॉन, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो अभी बताया 58 से 71 लैंथेनॉइड्स, वो तो 57 होता है लैंथेनम, लैंथेनम नीचे नहीं है, लैंथेनम नीचे नहीं है भाई, उसके बाद वाले 14 नीचे है जिसका नाम भी अपन लिखे थे लास्ट क्लास में, पढ़ो नाम पढ़ो, 58 लैंथेनॉइड का पहला एलिमेंट है, 58 से 71 तक सारे लैंथेनॉइड्स हैं, तो लिखे हैं अपन एफ ब्लॉक में, और सिंबल भी लिखे हैं और एलिमेंट का नाम भी लिखे हैं, देखो एक बार सब एफ ब्लॉक में, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक ये सब क्या है आपके लैंथेनॉइड्स, ठीक है, और वहां थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक आपके क्या है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये 58 से 71 याद रखो तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इधर 58 दिखा ना तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला ग्रुप पीरियड नंबर 6 गिलैंथेनॉइड है, ब्लॉक एस गिलैंथेनॉइड है, एंड ग्रुप नंबर 3 गिलैंथेनॉइड है, खत्म। तो इससे बेस्ट तरीका है 58 से 71 नंबर याद रखना है, इस ट्रिक होगी आपको, फिर कॉन्फिगरेशन लिखा क्या मैं यहां पे जरूरत है समझ रहे, अगर नहीं आते तो फिर कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, चलो लिखिए इसका कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4s1 काउंट करना था 58 हो रहे हैं, 4F1 नहीं होगा 2 हो, अब काउंट कर, इतना तो 54 किए हैं पिछले बार, 54 था ना ये वाला, 4 और ले लो एंड 57 हो गए, समझ गए 58। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इज एंट्रिंग एस, तो हो गया एस, सबसे बड़ा एन का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 6, तो पीरियड नंबर 6 और ग्रुप तो 3 ही होता है। चलो नेक्स्ट साइड डालना, ये आपका चैप्टर का पहला पार्ट हुआ है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अब आगे का पार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेंट डालो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अब हम एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और वो कैसे वेरी करती है ग्रुप में और पीरियड में, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्यों पीरियोडिक प्रॉपर्टी पड़ा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक पीरियड के बाद रिपीट होती है, समझ रहे,
लिथियम के बाद एक पीरियड पूरा गया, फिर सोडियम आया, सोडियम के बाद पूरा एक पीरियड गया, फिर पोटेशियम आया, पोटेशियम के बाद पूरा एक पीरियड गया, फिर रूबिडियम आया एंड सो ऑन। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टीज पीरियोडिक रिपीट हो रही है। क्लियर है? नाउ चलो देखो इसका डेफिनेशन एक नीचे लिखना। द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो अ रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर ग्रेडेशन, GRADATION, ग्रेडेशन का मतलब होता है चेंज, रेगुलर चेंज होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, रेगुलर ग्रेडेशन, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group, or from top to bottom in a group, are called periodic properties. ठीक है, अब अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एंड डालो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या समझते हो, मतलब एक एटम है ना, उसका न्यूक्लियस बीच में है और उसके कुछ ऑर्बिट्स होंगे ना, आखिरी शेल जो है वहां से सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस तो यही होता है ना, कोई भी सर्कल है सेंटर से उसके आखिरी पेरिफेरी का डिस्टेंस, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसको कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस। अगर क्लियर है सबको, है ना। अब देखो ये एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है ना, आपका एक एटम आप देख भी नहीं सकते एक सिंगल एटम को, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इनका जो रेडियस होता है वो पिकोमीटर्स में होता है, 10^-14 एटॉमिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो कितना बड़ा है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, आखिरी शेल कौन सा है उसका, आया ना। जैसे देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, उसका रेडियस छोटा होगा कि नहीं, लिथियम के पास कितने शेल है, दो, उसका रेडियस बड़ा होगा, सोडियम के पास तीन शेल और रेडियस बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम के पास और रेडियस बढ़ा, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं पीरियड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है, उसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, उसी ग्रुप का तीसरा एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, उसी ग्रुप का चौथा एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो और जैसे जैसे पीरियड बढ़ती है ना एक एक शेल एड होते जाता है। अभी अपन ये तो देख के बता रहे थे ना पीरियड नंबर, जिसका आखिरी शेल फोर्थ था वो फोर्थ पीरियड में था, जिसका आखिरी शेल थर्ड था वो थर्ड पीरियड में था, याद आ रहा है, तो पीरियड नंबर हमें बताता है, पीरियड नंबर हमें बताएगा कि उसका आखिरी शेल कौन सा, इफ इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड उसका आखिरी शेल चौथा शेल है, इफ इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड उसका आखिरी शेल सेकंड शेल है, इफ इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड उसका आखिरी शेल सिक्स्थ पीरियड सिक्स्थ शेल है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आया ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ, लिथियम हाइड्रोजन सबसे ऊपर है तो वो सबसे छोटा,
लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा, सीशियम उससे बड़ा, ट्राइटियम उससे बड़ा, है ना क्लियर। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस कर रहा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ऊपर रीड करो, समझ आ रही डेफिनेशन। रेगुलर ग्रेडेशन दिख रहा है, रेगुलर चेंज इन साइज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में तो ऊपर से नीचे ही आ सकते हैं ना, सीढ़ी से आप ऊपर से नीचे आओगे, लेफ्ट टू राइट तो नहीं जा सकते सीढ़ी से, सीढ़ी तो आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही ले जाएगी। तो इसलिए ग्रुप के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। बट जब मैं सीढ़ी को ऐसे कर दूं पीरियड, तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट के बारे में आपका क्या ख्याल है, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होगा ना, पर सब में पीरियड तो सेम है ना। लिथियम न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, बेरिलियम न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, फिर इधर आएगा बोरॉन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, कार्बन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, नाइट्रोजन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, क्लोरीन ऑक्सीजन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, क्लोरीन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। सबके पास तो दो ही शेल है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना सबका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं बट प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन बढ़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। आप ये समझो कि पहले यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। इसके अंदर 3 प्रोटॉन मिलके इसको खींच रहे हैं, इसके अंदर 4 प्रोटॉन मिलके इसको खींच रहे हैं, आखिरी शेल को खींचेगा ना न्यूक्लियस, इसके अंदर 5 प्रोटॉन मिलके इसको खींच रहे हैं, ऐसी 6, 7, 8, 9 ज्यादा खिंचाएगा ना 9 वाला तो छोटा होते जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेफ्ट टू राइट में भले सबका पीरियड बराबर है बट एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन ही ना होगा, न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें प्रोटॉन चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के कारण ही होगा। तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए साइज छोटा होता जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। समझ में आया है, इसको लिखते हैं। तो पहले एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन लिखना, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस The distance from the center of the nucleus to the outermost shell, to the outermost shell containing electrons, to the outermost shell containing electrons, to the outermost shell containing electrons, ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप लगे, नेक्स्ट टाइम लिखना। इट इज मेजर्ड इन पीकोमीटर्स, इट इज मेजर्ड इन पीकोमीटर। नीचे लिखो, 1 पीकोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-12 meters, 10^-12 meters, ठीक है। तो ट्रेंड लिखते हैं, फिर अपन टाइप्स ऑफ रेडियस भी पढ़ेंगे। एक तो एक्सबैंड डालना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, एक्सबैंडिंग रहेगी एटॉमिक रेडियस के अंदर ही, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें लिखो हाइफन डाल के, इन जनरल
atomic radius decreases, atomic radius decreases, atomic radius decreases as we move from left to right in a period. As we move from left to right in a period. As we move from left to right in a period. This is because as we move from left to right in a period, this is because as we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, nuclear charge increases. Nuclear charge increases while the number of shells remain. Nuclear charge increases while the number of shells remains the same. Shells बराबर है, सबके दो दो है ना, but nuclear charge तो बढ़ रहा है, ठीक है? Nuclear charge increases while the number of shell remains the same. Full stop. Due to the increased nuclear charge, due to the increased nuclear charge, the electrons of all the shells are, the electrons of all the shells are, the electrons of all the shells are, electrons of all the shells are pulled little closer, pulled matlab andar ki jayenge, pulled little closer, pulled little closer to the nucleus, to the nucleus. Thereby making shells smaller. Thereby making shells smaller. सब अंदर की तरफ खिंचाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो आपका शेल छोटा हो जाएगा. Thereby making the shells smaller. This results in a decrease of atomic radius. This results in the decrease of atomic radius. This results in the decrease of atomic radius. When we move from left to right in a period, left to right in a period, ऐसा हर पीरियड में होगा, ठीक है? मैंने बस सेकंड पीरियड का आपको एग्जांपल दिया है, बट यही चीज हर पीरियड में होगी. Am I clear? क्योंकि हर पीरियड में लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो खींचेगा तेजी से, राइट? ठीक है, बट एक नोट करके नीचे लिखना, नोट नोट. उस हिसाब से देखो लास्ट हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन है, हर पीरियड का आखिरी, एग्जैक्टली नोबल गैस, राइट? हर पीरियड का आखिरी तो नोबल गैस ही होगा ना, जैसे यहां तो फ्लोरीन है, मैं नियॉन नहीं बनाया, वरना नियॉन होता, इसके बाद का आर्गन होता, इसके बाद का क्रिप्टन होता, फिर ज़ेनॉन होता, पहले वाले का हीलियम है, मतलब हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट क्या है, नोबल गैस. और नोबल गैस तो बहुत स्टेबल होते हैं, तो उनका रेडियस सबसे बड़ा, उनको इन सब चीज से फर्क नहीं पड़ेगा. तो लास्ट में एक नोट करके लिखना, द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर हाउएवर, द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस, द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर हाउएवर larger than, are however larger than, are however larger than those of the preceding halogens, larger than those of the preceding halogens. समझ गए? हाँ,
ये तो बात होगी पीरियड से, अब हम बात करेंगे ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना आपने हेडिंग जो वही डाली ना, क्या लिखी हेडिंग आप लोग, ड्यूरेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड टेबल। तो पीरियड टेबल में ड्यूरेशन हम पीरियड वाइज तो देख लिए, अब ग्रुप वाइज देखते हैं। ग्रुप वाइज तो बढ़ता है ना, लिख लेते चलो उसको। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस The atomic radii of elements increases with increase in atomic number. With increase in atomic number. With increase in atomic number. As we move from top to bottom in a group. As we move from top to bottom in a group. As we move from top to bottom in a group. ये इसका रीजन बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जा रहा है। देखो नीचे लाइन में, as we move down a group, as we move down a group, the principal quantum number n, the principal quantum number n increases, increases, principal quantum number n increases. So stop. In other words, a new energy shell, in other words, a new energy shell is added. देखो बोल रहे हैं ना, एक shell add होते जा रहा है ना, नीचे नीचे जाते जाते जा रहे हैं। A new energy shell is added at each succeeding element. At each succeeding element. At each succeeding element. समझ गए क्या? हाँ, इसी एटॉमिक रेडियस में एक सब हेड डालना, टाइप्स ऑफ रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस, अलग अलग टाइप के रेडियस होते हैं एटम के, टाइप्स ऑफ रेडियस। फर्स्ट लिखना आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, आयन का रेडियस, सिंपल है ना। जब एटॉमिक रेडियस को अपन बोले एटम का रेडियस, तो आयनिक रेडियस क्या होगा, आयन का रेडियस होगा। अब आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तभी बनते हैं आपके आयन्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम इज इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 11, इसका कॉन्फिगरेशन 2.8.1 है ना, या फिर नया वाला बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये। अगर मैं सोडियम को सोडियम आयन बनाता हूँ, विच इज एनी पॉजिटिव मेटल है ना, ये मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आखिरी वाले का ऑप्टेट करने के लिए। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब वो क्या हो गया, 2.8 हुआ ना, मतलब अब शेल कम हो गए उसकी, पहले कितने शेल थे, अब कितने शेल हो गए, तो रेडियस कम होगा बढ़ेगा, कम हो गया ना। पहले सोडियम आपका ये था सोडियम आयन, ये हो गया छोटा होगा, तो हमेशा कैट आयन अपने पेरेंट से छोटा होता है, ये इसका पेरेंट ही हुआ ना, इसी से बना है ना, हम जिनसे आएंगे हम उनको पेरेंट बोलेंगे ना, ये बेचारा इनसे आया, ये पेरेंट होगा उनका, है ना। तो कैट आयन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, एम आई क्लियर, क्योंकि शेल्स कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, तो जो ओवरऑल पकड़ना है ना वो कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा समझ के चलो, पहले इस न्यूक्लियस ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, पहले इस न्यूक्लियस ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, अब एक छूट गया ना उसकी पकड़ से, तो अब 10 को पकड़ेगा, तो ज्यादा तेज से नहीं पकड़ेगा। मान लो मैं इन तीनों को एक साथ पकड़ा, मेरे दो ही हाथ है ना, मैंने तीनों को एक साथ पकड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं उतना अच्छे से नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि तीन लोग है ना। पर अगर आयुषी छूट के भाग दे, अब मैं दोनों को ज्यादा तेज से पकड़ लूंगा, क्योंकि अब मेरा एक एक हाथ दोनों के लिए, पहले क्या हो रहा था कि वो दो हाथ तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब वो दो हाथ दो ही में डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं और ज्यादा खींचूंगा ना इन लोगों को आगे, तो रेडियस कम,
समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया है, बढ़ गया है तो वो और अंदर खींचेगा, चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, चार्ज बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और खिंचाएंगे, इलेक्ट्रॉन खिंचा रहे मतलब शेल्स खिंचा रहे, शेल्स खिंचा रहे मतलब साइज छोटा होगा, समझ गए, तो कैट आयंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट आयन। क्लोरीन से क्लोराइड बनता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या होगा, कुछ अब ये सोच के तो नहीं बोलेगा सर कि कैटायन छोटा है तो एनायन बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं सोचे, रीजन बताओ तो अट्रैक्शन अब आई अब उस एग्जांपल में क्या ऐड करें, अब मैं माही को भी पकड़ लिया, अभी तक मैं तीन पकड़ा था ना, अब मैं चार पकड़ लिया, पर पकड़ने के हाथ तो दो ही है ना, तो अब मैं और लूजली पकड़ूंगा, पहले मैं दो हाथ से तीन लोग को टाइटली नहीं पकड़ पा रहा था, अब मैं दो ही दो हाथ से चार लोग को पकड़ रहा हूँ तो और लूज हो जाएगा, समझ रहे, तो शेल बड़ा हो जाएगा, क्लियर है, तो एन आयन आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है, चलो देखते हैं आयन का रेडियस का, देखो आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज, आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज, आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, effective distance from the center of the nucleus of the ion, ये nucleus ion का है, अभी तक nucleus atom का, अब ion बन गया, nucleus of the ion, up to which it exerts its influence, up to which it exerts its influence on its electrons, on its electrons, on its electrons, ठीक है, इसमें next point लिखना, the radius of cation is always smaller, the radius of cation is always smaller, the radius of cation is always smaller than that of its parent atom, than that of its parent atom. Then that of its parent atom. इसमें hyphen डाल के लिखेंगे reason भी. A cation is formed by loss of one or more electrons. A cation is formed by loss of one or more electrons. One or more electrons, which generally causes the removal of the whole shell. एक शेल ही गायब हो जाता है ना, लेकिन आप सोडियम में एक शेल ही गायब होता है, removal of the whole shell. Also there is increase in the
also there is increase in the effective nuclear charge. Also, there is increase in the effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. पहले वो न्यूक्लियस तीन में को पकड़ा था, अब वो दो ही को पकड़ रहा है. ओवरऑल चार्ज बढ़ जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स, रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स, रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स, रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, resulting in greater force of attraction by the nucleus on the electrons, by the nucleus on the electrons. Second likh lo barabar anion ka. Kya likhenge? The radius of the anion is always larger than that of the parent atom. Jaldi likho. The radius of the anion is always larger than that of its parent atom. Given भी लिख लेते हैं इसका. हाइफ़न डाल के लिखो पहले. An anion is formed. ये गेन हो गया होता है ना. वहां लिखे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन. तो एनायन इज फॉर्मड, एंड एनायन इज फॉर्मड व्हेन अ एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. एंड एनायन इज फॉर्मड व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this increases the number of electrons, this increases the number of electrons, and hence effective nuclear charge decreases, and hence effective nuclear charge decreases, and hence effective nuclear charge decreases, and hence effective nuclear charge because of which force of attraction, because of which force of attraction by the nucleus on the electrons decreases, because of which force of nucleus sir aata hai na, force electron ho raha hai, force of nucleus two electrons on the electrons decreases. Two electrons decreases. Attraction force कम हो जाएगा तब वो दूर दूर जाएंगे, तो साइज बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक टाइप का आपका रेडियल हुआ, दैट इज आयनिक रेडियल. नेक्स्ट एंड डालना अगला रेडियस, कोवेलेंट रेडियस. कल 9 बजे आना सुबह टेस्ट के लिए. 9 to 10 केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा चैप्टर 2 का, और 10 to 11 आपका बायोलॉजी का.